नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की डेट में कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ हम सभी ही करते हैं। आप भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो या तो आप कंप्यूटर सिस्टम से देख रहे हो या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन से देख रहे हो। तो आपको ये ज़रूर पता होगा, अगर आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखते हो, कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ विंडो की कमांड होती है जिसकी हेल्प से हम काफ़ी कुछ जो है उस कमांड की हेल्प से ऑपरेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग कमांड्स के बारे में बताऊंगा, जिसको यूज करके आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो और भी इन्हांस कर सकते हो, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। कई बार कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जिनका यूज करते समय हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर लेनी होती है सिस्टम से, तो वो हम ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपने अपनी इंटरनेट की स्पीड को देखना है कि कहीं वो अनस्टेबल तो नहीं है, आपकी जो इंटरनेट कनेक्शन जो भी है, चाहे आपने वायरलेस ब्रॉडबैंड लगवाया है, चाहे आप मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके जो है इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस केस में अगर आपको ये पता करना है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन आप यूज़ कर रहे हो वो स्टेबल है या नहीं, तो वो भी आप जो है सिंपल से कमांड टाइप करोगे तो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि जो आप कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहे हो उसका जो आईपी एड्रेस होता है वो क्या है, तो वो भी आप सिंपली एक कमांड टाइप करके जो है आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा जो आप कंप्यूटर सिस्टम में एप्लीकेशन यूज़ करते हो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन होती हैं, एमएस वर्ड होता है, एक्सेल होता है या फिर नोटपैड होता है, चाहे वो एमएस पेंट होता है, सारी की सारी एप्लीकेशन जो है आप कंप्यूटर सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट में जाके सिंपली जो है कमांड टाइप करोगे और उसकी हेल्प से भी आप जो है इनको ओपन कर सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप कंप्यूटर चलाते हो या फिर आप कंप्यूटर की वीडियो देखते हो, आपका कंप्यूटर लाइन में इंटरेस्ट है, तो आपको ज़रूर से ये कमांड के बारे में पता होना चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम में जो विंडोज़ की कमांड होती है, जिसको हम कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, तो वो ओपन करके काफ़ी सारी कमांड्स होती हैं जो आपकी यूज़फुल होती हैं, जो आपके काम आने वाली होती हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग यूज़फुल जो कमांड्स हैं उसके बारे में बताऊंगा, जो आपके डेली लाइफ में यूज़ होने वाली होती हैं। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको सारी कमांड्स के बारे में अच्छे से पता चल सके, आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। वहाँ पर मैं आपको एक एक करके कुछ यूज़फुल, कुछ इंटरेस्टिंग कमांड्स के बारे में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आपको CMD ओपन करना होगा सबसे पहले, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट आपको ओपन करना है। तो कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ सर्च बार में लिखना होगा CMD। जैसे ही आप CMD लिखोगे तो कमांड प्रॉम्प्ट जो है आपके सामने आ जाएगा, सिंपली आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हो। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है इसको ओपन करने के लिए, आपके कीबोर्ड पर जो विंडो का की दिया होता है, आप विंडो के की को प्रेस करोगे और उसी के साथ आपको R बटन को प्रेस करना है। तो जैसे ही आप ये प्रेस करोगे तो आपके सामने ये रन वाला एक पॉपअप देखने को आपको मिलेगा और इसमें आपको टाइप करना होगा CMD, और CMD यहाँ पे टाइप करने के बाद सिंपली आप एंटर बटन को प्रेस कर दोगे तो आपके सामने जो है आपका कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो ओपन होके आ जाएगी। तो ये जो आप स्क्रीन पे अभी ब्लैक स्क्रीन देख रहे हो, इसी को हम जो है कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, और इसी में आपको एक एक करके मैं कमांड्स बताऊंगा, जिसका यूज़ भी आपको बताऊंगा कि कौन सी कमांड को यूज़ करके आप जो है इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे कर सकते हो। तो सबसे पहली जो कमांड है उससे क्या होता है कि अगर हमें मान लीजिए MS पेंट को ओपन करना है या फिर हमें नोट पैड को ओपन करना है, तो वो हम किस प्रकार कर सकते हैं। चलिए सबसे पहली जो हमारी कमांड है हम आपको नोट पैड ओपन करके यहाँ पे बताते हैं। तो नोट पैड को ओपन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे लिखना होगा नोट पैड। तो नोट पैड लिखने के बाद, जैसे कि हमें पता है कि हमारे सॉफ्टवेयर की जो एक्सटेंशन होती है वो .exe होती है, तो उसके बाद हम .exe लगा के सिंपली एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो नोट पैड है वो ओपन होके आ चुका है। उसके बाद हम आपको MS पेंट भी ओपन करके दिखा देते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे MS PAINT और उसके बाद फिर .exe। तो जैसे ही हम ये इतना लिख के एंटर करेंगे तो हमारा MS जो पेंट है, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट बोलते हैं, वो हमारा ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है IP config। IP config को यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ
और आईपी कॉन्फिग को टाइप करने के बाद जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पे एंटर बटन को प्रेस करोगे तो आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम का आईपी एड्रेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा उसका जो टेम्परेरी IPv6 एड्रेस होता है वो देखने को मिल जाएगा, सबनेट मास्क देखने को मिल जाएगा। तो आपको नेटवर्किंग रिलेटेड जो भी आपने यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट किया होगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है अगर आपको अपना आईपी एड्रेस फाइंड करना है या फिर डिफ़ॉल्ट गेटवे फाइंड करना है, तो इस प्रकार जो है आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट हमारी कमांड है, अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से डेस्कटॉप पे या फिर किसी भी ड्राइव में कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें कमांड का यूज़ करना होगा। सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट अगर ये है कि हमें डेस्कटॉप पर कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे CD। CD का मतलब ये है कि हमें कौन सी ड्राइव में जाना है। तो CD लिखने के बाद हम यहाँ पे टाइप कर देंगे डेस्कटॉप। तो CD लिखने के बाद एक स्पेस देना है, उसके बाद डेस्कटॉप लिखना है और सिंपली एंटर बटन प्रेस कर देना है। हम अभी डेस्कटॉप पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमें फोल्डर क्रिएट करना है तो उसकी जो कमांड होती है वो होती है mkdir। तो हम यहाँ पे mkdir टाइप कर देंगे, उसके बाद एक स्पेस छोड़ेंगे और जिस भी नाम का हमें फोल्डर क्रिएट करना है वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो चलिए हम राजकुमार नाम का एक फोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं। तो मैंने जैसे ही राजकुमार लिखा उसके बाद मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा तो आप यहाँ डेस्कटॉप पर देखोगे कि जो राजकुमार नाम का एक फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस प्रकार अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो वो भी आप यहाँ से बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कितने टास्क जो हैं अभी परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसको चेक करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे टाइप करेंगे टास्क लिस्ट। तो जैसे ही आप अपनी कमांड प्रॉम्प्ट में टास्क लिस्ट लिख के एंटर बटन प्रेस करोगे तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं उन सबकी आपको यहाँ पे लिस्ट जो है देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से भी जो है आप चेक कर सकते हो कि कौन से प्रोग्राम, कौन से जो टास्क हैं आपके सिस्टम में अभी के लिए रन हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारी अगली कमांड की। तो अगली कमांड में हम अभी जो स्क्रीन यहाँ पे आपको ब्लैक दिखाई दे रही है और उसके ऊपर वाइट कलर का आपको फॉन्ट दिखाई दे रहा है, अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, कलर को चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना होगा कलर और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा रेड। और ऐसा लिखने के बाद आपको सिंपली एंटर बटन प्रेस करना है और इसमें जो जो कलर्स अवेलेबल हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे ब्लू कलर करना है तो आप 1 प्रेस कीजिए। तो चलिए अब हम आपको ग्रीन कलर यहाँ पे करके दिखाते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे फिर से टाइप करना होगा कलर, उसके बाद आपको एक यहाँ पे स्पेस देना है। तो कलर का जो है वो सी एंटर नहीं हुआ है तो चलिए हम उसको अभी सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे कलर हमने टाइप कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस देना है और हमने यहाँ पे कलर अगर ग्रीन करना है तो ग्रीन की वैल्यू 2 दे रहा है तो हम यहाँ पे 2 टाइप करके एंटर कर देंगे और जितना भी हमारा फॉन्ट यहाँ पे वाइट था वो ऑटोमेटिकली जो है ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर आपको यहाँ पे ग्रीन कलर करना है तो आप इस प्रकार जो है इसका भी यूज कर सकते हो। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो होती है किसी भी इंटरनेट स्पीड को चेक करने के लिए कि वो स्टेबल है, जो इंटरनेट है वो एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो बीच में से डिसकनेक्टेड हो रही है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और यूज़फुल जो है कमांड आपके लिए हो सकती है। सिंपली अगर आपको अपने इंटरनेट की स्पीड को चेक करना है या फिर आपको इंटरनेट की स्टेबिलिटी को चेक करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करना होगा PING। तो जैसे ही आप PING लिखोगे उसके बाद आपको एक स्पेस देना है, उसके बाद आपको कोई सी भी एक वेबसाइट को यहाँ पे टाइप करना है या फिर अगर आपके पास कोई आईपी एड्रेस है आपकी वेबसाइट का या फिर किसी राउटर का तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे google.com लिख लेते हैं तो हमें यहाँ पे टाइप करना होगा www.google.com। तो चलिए हम यहाँ पे google.com को टाइप कर लेते हैं और इसको टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ रिजल्ट ये दिखाएगा। अगर आपका इंटरनेट स्टेबल है तो वो आपको कंटिन्यूसली रिजल्ट दिखाता चले जाएगा और अगर आपका इंटरनेट बीच में से बंद होता है तो आपको वहाँ पर टाइम आउट या फिर रिक्वेस्ट फेल ऐसा कुछ एरर देखने को मिल जाएगा। तो अभी देखिए ये हमें रिप्लाई दे रहा है, कुछ
जो नंबर्स हैं रिजल्ट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारा इंटरनेट है वो प्रॉपर काम कर रहा है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको ये रिजल्ट नहीं दिखाता है तो इट मीन्स आपके जो इंटरनेट में है वो कुछ प्रॉब्लम है, या फिर कुछ वायर में दिक्कत है, या फिर जो आपका कनेक्टर है उसमें दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको रिप्लाई आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो इंटरनेट है वो स्टेबल है, वो वर्क कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है सिस्टम इन्फो। तो इससे क्या होता है कि हमारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है। तो चलिए हम आपको वो भी यहाँ पे टाइप करके बता देते हैं। हमें यहाँ पे टाइप करना होगा सिस्टम INFO। तो ऐसा टाइप करने के बाद आपको सिंपली एंटर बटन प्रेस करना है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ लोडिंग ले रहा है, आपकी नेटवर्किंग स्पीड, आपका नेटवर्क कार्ड और जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, तो फिजिकल मेमोरी कितना है, टाइम अभी क्या है, विंडो कौन सा है, कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट है, ये सिस्टम कब जो है ऑन हुआ था और ये लास्ट टाइम कब बूट हुआ था, ये सिस्टम का कौन सा मॉडल है, किस कंपनी का है, कौन सा प्रोसेसर है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। आप बाद में एक एक करके यहाँ से इसको भी रीड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है, आप सबको काफ़ी पसंद आएगी। उससे क्या होता है कि अगर आप लैपटॉप सिस्टम को यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप सिस्टम में जो आपकी बैटरी होती है तो उसकी कैपेसिटी अभी कितनी रह चुकी है। जैसे कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स भी होते हैं तो धीरे धीरे जब हम उसको यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स पुराने हो जाते हैं तो उनका बैटरी बैकअप भी कम होने लगता है। तो सेम ऐसे ही जो हमारे लैपटॉप्स की बैटरीज होती हैं उनकी भी जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती चलती है। जैसे ही हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं लैपटॉप का, जैसे ही हमारा लैपटॉप ज़्यादा यूज़ होता है तो धीरे धीरे उसका बैटरी बैकअप भी कम हो जाता है। तो अगर आपको अपनी बैटरी का स्टेटस जानना है कि आपकी बैटरी की हेल्थ अभी कैसी है, उसमें कितना अभी जो है चार्ज होने की कैपेसिटी है, कितना आपको बैटरी बैकअप दे रही है, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो। तो इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना होगा POWER पावर, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कॉन्फ़िग। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे CFG, उसके बाद आपको एक स्पेस देना है और आपको यहाँ पे एक स्लैश लगा के यहाँ पे लिखना है बैटरी रिपोर्ट। तो यहाँ पे मैं बैटरी रिपोर्ट को भी लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आपको सेम ऐसे ही लिखना है पावर CFG, उसके बाद एक स्पेस छोड़ना है और स्लैश लगा के बैटरी रिपोर्ट लिखी, आपको सिंपली एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक फाइल जो है क्रिएट हो जाएगी। तो अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पर भी देख रहे हो कि सी ड्राइव में हमारा कोई फोल्डर है यूज़र, उसके अंदर राजकुमार फोल्डर है और उसके अंदर ये फाइल हमें देखने को मिल जाएगी। या तो आप सिंपली वहाँ पे जाके सी ड्राइव में इस फाइल को चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर ही इस पाथ को कॉपी कर लीजिए। ये इतना पाथ आपको यहाँ पे कॉपी करना है, ये आपको यहाँ पे इतनी सिलेक्शन करने के बाद सिंपली आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो Ctrl+C शॉर्टकट की हेल्प से। उसके बाद आपको जाना है माई कंप्यूटर पे। माई कंप्यूटर पे जाने के बाद आपको यहाँ ऊपर की साइड जो भी आपने पाथ को कॉपी किया है उसको Ctrl+V करके पेस्ट कर देना है और उसके बाद आप एंटर बटन प्रेस कर दोगे तो जो भी आपकी वो फाइल है वो अपने आप ही यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी। तो उसके बाद आपको यहाँ पे बैटरी की पूरी रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी, आपके कंप्यूटर का नाम क्या है, मॉडल कौन सा है, उसकी बायोस की डिटेल और उसके ही ठीक नीचे आपको बैटरी कब इंस्टॉल हुई थी, उसका जो डिज़ाइन कैपेसिटी थी वो इतना था लेकिन अभी उसकी जो फुल चार्ज की कैपेसिटी है वो इतनी रह चुकी है। तो इस प्रकार आप अपने लैपटॉप की बैटरी की हेल्थ को चेक कर सकते हो कि कितनी उसकी कैपेसिटी अभी बाकी रह चुकी है। लेकिन ये जो कमांड है सिर्फ लैपटॉप्स में ही काम करेगी, उसमें ही ये वर्क करेगी, क्योंकि जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उनमें बैटरी नहीं होती है तो उस पर ये काम नहीं करेगी। तो आई होप कि ये जो अभी मैंने आपको यूजफुल कमांड्स के बारे में बताया है, टोटल 10 कमांड्स मैंने आपको बताई हैं, इसको आप जरूर से एक बार ट्राई करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग कमांड्स हैं। आपको डेली लाइफ में कभी ना कभी इसका यूज़ आप जो है जरूर करते होंगे, तो आप इन कमांड्स की हेल्प से भी जो है अपने काम को और इजी कर सकते हो और आप कंप्यूटर एक्सपर्ट भी बन सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने और भी फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ इस वीडियो को,
और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हम आपको मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।